LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। नमस्कार, मैं नेहा 12वीं कक्षा की छात्रा। मैं आज बच्चों की सरकार कैसी होगी इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। बच्चों की सरकार, यदि मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं सबसे पहले बेरोजगारों को नौकरियां उपलब्ध करवाती, जो आज के समय की सबसे गंभीर और बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। आजकल सभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, BA किए हुए, MA किए हुए, वेल एजुकेटेड, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई हैं, डिग्रियां ली हुई हैं, और वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मामूली फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। उन्हें उनकी एजुकेशन और पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो जॉबें होनी चाहिए, जिन पदों पे उन्हें होना चाहिए, वो उन पदों पर नहीं है, वो मामूली जॉबें कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी वो अपने घर का गुजारा नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, हमारे देश का भविष्य है, वो निराश हो रहे हैं सरकार से। तो अगर मैं सरकार का हिस्सा होती, चाहे मैं प्रधानमंत्री होती या मुख्यमंत्री होती, तो मैं सबसे पहले यही सुविधा करती कि हर वो युवा जो बेरोजगार है, जो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, उसके लिए अच्छी फैसिलिटी जॉब के लिए के वो अच्छे से जॉब करे, अपने घर का गुजारा कर सके, अपना गुजारा कर सके। मैं सबसे पहले यही फैसिलिटियां करती, क्योंकि अगर किसी के पास नौकरी होगी, वो बेरोजगार नहीं होगा तो वो गरीब नहीं होगा। उसे हर फैसिलिटी पता होगी, वो अपना ख्याल रख पाएगा, अपने परिवार का ख्याल रख पाएगा, दुखी भी नहीं होगा, और वो सरकार का भी चयन अच्छे से कर पाएगा। पर जो बंदा बेरोजगार ही होगा तो उसे मजबूरन कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे सरकार की व्यवस्था या फिर हमारे समाज की व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले मेन मुद्दा यही होता है कि हर इंसान के पास ऐसा साधन हो जिससे वो अपना गुजारा कर सके, अपने परिवार का ख्याल रख सके। तो सबसे मेन जो है, मेरा मानना है कि बेरोजगारी को ख़त्म करना ही सबसे पहले हमारा यही काम होना चाहिए, कि हम बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म कर दें। हमारे युवा जो नौकरी की तलाश में विदेशों में जा रहे हैं या फिर कहीं भी, उन्हें ऐसी फैसिलिटियां उपलब्ध करवाएं कि उन्हें हमारे भारत में ही जॉब मिल जाए। बस मेरा तो यही है कि बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करें। धन्यवाद।